राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सरकारी लापरवाही को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप जड़ते हुए कहा कि या तो सरकार का सिस्टम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की आंखों में धूल झोंक कर कोरोना महामारी में इंतजामों के नाम पर उनको गुमराह कर रहा है, या फिर महामारी के दौर में अपनी मनमानी करने से भी बाज नहीं आ रहा है। राणा ने कहा कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही की हद से परे स्थिति बदहाल होती जा रही है, जो हिमाचल भवन मुख्यमंत्री के आदेशों पर चंडीगढ़ व इसके आसपास फंसे हिमाचली छात्रों व कामगारों के लिए खोला गया था, उसी सरकारी अमले ने अपने परिवार व रिश्तेदारों की मौज का अड्डा बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में सरकारी अफसरों के बच्चे हिमाचल भवन में ठहरने के समाचार मिल रहे हैं, जो हिमाचल भवन चंडीगढ़ में पढ़ रहे छात्रों के लिए खोला गया था उसमें आईएएस एचएएस के बच्चों व रिश्तेदारों को ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस मुश्किल दौर में आम छात्र को सरकार के आदेशों के बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही है। 400 से 500 छात्र कामगारों के टेलीफोन पर आई गुहार को नजरअंदाज करके हिमाचल भवन को अफसरों ने अपने बच्चों और रिश्तेदारों को ठहराने का अड्डा बना रखा है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। नमस्कार। आज जिस तरीके से नेशनल चैनल पे हम लोगों ने ये खबर देखी कि सरकार ने चंडीगढ़ और दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, उनके लिए चंडीगढ़ में हिमाचल भवन और दिल्ली में हिमाचल भवन जो है उसके लिए, जो लोग जिनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, रहने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उसके लिए सरकार ने दावा किया कि उनको खाली करवा लिया गया है। और आज इस तरीके से नेशनल चैनल ने ये पोल खोली है कि चंडीगढ़ में 4 से 5 बच्चे हैं और सारा का सारा हिमाचल भवन जो है हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही ने उस पर कब्जा करके रखा है, उनके परिवार वहां रह रहे हैं। उसे लगता है कि सरकार की अफसरशाही पर जो है पकड़ नहीं है और अफसरशाही सरकार पर हावी है और आम जनता के प्रति जो सरकार दावे कर रही है वो दावे खोखले हैं। और मैं पिछले लगभग 4-5 दिन से लगातार ये इस बात को उठा रहा था, सरकार के समक्ष भी उठाई, मीडिया के माध्यम से भी उठाई कि जो लोग हिमाचल प्रदेश के हिमाचल से बाहर रह रहे हैं, चाहे वो पंजाब में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, उन लोगों को घरों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके परिवार चिंतित हैं, उनके पेरेंट्स चिंतित हैं, क्योंकि हिमाचल के अधिकतर लोग जो हैं वो बाहर नौकरियों के लिए, व्यापार के लिए जो है वो अपना रोजी रोटी के कमाने के चक्कर में बाहर हैं। और आज इस कठिन दौर में ये लोग जो हैं वो अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। तो सरकार ने दावा किया है कि हमने हिमाचल भवन दिल्ली और चंडीगढ़ को खाली करवा लिया गया, परंतु जिस तरीके से आज नेशनल चैनल के माध्यम से पोल खुली है उससे सरकार के प्रति जो है, सरकार की कार्यप्रणाली पर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो गया है कि सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति कितनी गंभीर है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग हिमाचल प्रदेश में वापस भी आए हैं उनको जैसे लॉकडाउन के इस दौर में जो है वो 14 दिन के लिए आइसोलेशन में भेजने की बात सरकार ने कही है, वो ठीक है कि आज के इस दौर में एहतियात बरतने की जरूरत है और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और पब्लिक भी पूरा सरकार को जो है वो कॉपरेट कर रही है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो लोग आ भी गए हैं परमिट लेके उनका मेडिकल चेकअप करवाते और उनको मेडिकल चेकअप के बाद उनको अपने घरों तक पहुंचाते। मुझे लगता है कि सरकार को पब्लिक के प्रति और खास तौर पर अपनी जो पब्लिक है, चाहे वो स्टेट के अंदर है चाहे बाहर है, उनके प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए। और इस तरह की अखबारों में और मीडिया में जो है खोखली जो है वो घोषणाएं करके ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों को निराशा जो है निराशा मिल रही है, क्योंकि आज कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू में हिमाचल के जो लोग हैं उनको हिमाचल भवन तक पहुंचना मुश्किल हो गया, इसलिए लोगों को बहुत कठिनाई आ रही है। मैं सरकार से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से ले और अपने लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाए।